पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है। रक्षाबंधन, जो हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उसे अपनी रक्षा का वचन देता है। लेकिन आज यानी 19 अगस्त को अयोध्या में रक्षाबंधन का एक विशेष रूप देखने को मिल रहा है। पूरे देश की बहनें अलग अलग माध्यमों से भगवान राम के बाल रूप बालक राम के लिए राखी भेज रही हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम से भी एक विशेष राखी बालक राम के लिए आई है। यह राखी केवल बालक राम के लिए ही नहीं बल्कि उनके चारों भाइयों और उनकी पत्नियों के लिए भी समर्पित की गई है। इस विशेष राखी का निर्माण श्रृंगी ऋषि आश्रम के पास की महिलाओं ने किया है। इसे तैयार करने में लगभग 20 दिन का समय लगा। यह राखी पूरी तरह से रेशम के धागों से बनाई गई है और इसके ऊपर मोतियों की खूबसूरत सजावट की गई है। राखी के साथ साथ बालक राम के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग और एक सुंदर बांसुरी भी भेजी गई है, जिसे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्हें धारण कराया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रभु राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम में शांता का एक मंदिर भी है। त्रेता युग में शांता अपने भाइयों को राखी बांधा करती थी। अब जब भव्य राम मंदिर में बालक राम विराजमान हो चुके हैं तो शांता के मंदिर से बालक राम और उनके चारों भाइयों के लिए राखी भेजी गई है। यह राखी राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को समर्पित की गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि इस बार श्रृंगी ऋषि आश्रम से बालक राम और उनके भाइयों के लिए जो राखी आई है वह विशेष महत्व रखती है। इसके साथ 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग माला और बांसुरी भी भेजी गई है। शुभ मुहूर्त में बालक राम और उनके भाइयों को राखी बांधी जाएगी, माला धारण कराई जाएगी और भोग लगाया जाएगा। यह श्रृंगी ऋषि आश्रम राखी एक पर्व होता है जो प्रतिवर्ष सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसमें कहा जाता है कि भाई और बहन का यह उत्सव है। भाई जो है वह बहन जो है भाई को राखी बांधती है और भाई का प्रतिज्ञा होता है कि राखी बांध करने के बाद में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है कि हम अपने बहन की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करेंगे, जैसे कि कोई भी समस्या आती है उसका हम समाधान करेंगे। तो उसमें मंत्र भी है कि जैन बद्धो बलि राजा दान मिंद्रो महाबल है तेन तो हम प्रतिबद्धामी बंधे माचल माचल है, इस तरह से मंत्र पढ़ के राखी श्रृंगी ऋषि आश्रम से तो श्रृंगी ऋषि आश्रम में राखी आई है और माला भी आए हैं और मिष्ठान भी आया है, सब कुछ आया है जो राम लला को राखी बांधी जाएगी और यह विशाल और प्रसाद सबका वितरण होगा। तो यह भगवान राम लला की बांधने के बाद उनकी कृपा होगी इनकी श्रृंगी ऋषि और आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी राम प्यारे दास ने बताया कि रक्षाबंधन हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह राखी जो बालक राम और उनके भाइयों के लिए भेजी गई है, इसे आश्रम की महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया है। इसके साथ ही इस राखी में रामलला और उनके भाइयों की पत्नियों के लिए भी राखी शामिल है। ये राखी आप सभी को पता है कि भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन का त्यौहार बहन और भाई का त्यौहार है। तो हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम है अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर, वहाँ शांता माता का मंदिर है और आप सभी बहुत कम लोग जानते होंगे कि शांता माता जो है वो राम जी की बहन थी। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे राम जी की बहन ने अपने भाई को, जब से वो नए नूतन भवन में विराजमान हुए हैं, तो उनके लिए एक राखी भेजी है जो हम सब ले के आए ग्रामवासी। खासियत उस राखी की यह है कि उसको हम महिलाओं के समूह ने अपने हाथ से बनाया है, रेशम के धागों से रेशम की नक्काशी की गई है। वो बड़े सरकार के लिए एक जो बाल स्वरूप में है और चार राखियां लाल जी के लिए भी आई हैं और चार लाल जी की पत्नियों के लिए भी, कि लोगों का भाव था तो हम लोग इतनी राखियां लेके आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, महिलाओं ने ही बनाया यार अपने हाथ से। बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समय तो नहीं थे जब भगवान राम थे, लेकिन आज हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता होगा एक बहन राम प्यारे दास।
राखी का निर्माण करने वाली अंजलि सिंह ने कहा कि भगवान राम को हम अपना भाई मानते हैं और इसलिए उनके लिए राखी लेकर आए हैं। इस राखी को उन्होंने सावन माह की शुरुआत में ही बनाना शुरू कर दिया था। रेशम के धागों से बनी इस राखी को मोतियों से सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला रक्षाबंधन है और उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने हाथों से बनाई गई राखी भगवान राम को समर्पित की है। हम लोग अपने भगवान श्री राम आराध्य के लिए, आराध्य जी के लिए राखी लेके आए हैं रक्षाबंधन के पर्व पे, जिसको कि हम लोगों ने बहुत ही स्वच्छता से और सावन के महीने में बनाया है रेशम के धागे से और जूट के कपड़े से। तो ये राखी बहुत ही अभूतपूर्ण है और बहुत भव्य है, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगी जब श्री राम लला की मूर्ति पे और हाथ पे सभी। बिल्कुल, वो तो हर महिला के भाई हैं और हमेशा से थे, हमेशा उन्होंने ही हमारी रक्षा करी है और आगे भी हम चाहेंगे, भगवान से यही मानते हैं कि हमेशा हर स्त्री की वो रक्षा करें। इस तरह अयोध्या में इस बार रक्षाबंधन का पर्व एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है, जहां बहनों की श्रद्धा और प्रेम भगवान राम के बाल रूप के प्रति प्रकट हो रहा है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वे श्रीवास्तव की रिपोर्ट।